हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तवील बैठक, वजीर आजम और चीफ जस्टिस साकिब निसार की 2 घंटे तक मुलाकात। शाहिद काकान अब्बासी की अदालती निजाम की मजबूती के लिए ताबुन की यकीन दहानी। अदलिया गैर जानबदारी से फराइज सर अंजाम देगी, चीफ जस्टिस की गुफ्तगू, ऐलामिया जारी। जाती तौर पर मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं अदालत में जाऊं और चैलेंज करूं, और मुझे पता है कि आजकल पाकिस्तान की अदालतों से भी कैसे फैसले आ रहे हैं। अदालत में जाना है तो उसके अदालत में हम क्या इस्तदा या प्ली लेकर जाएंगे, ये मेरे जहन में है। फारूक सत्तार का यू टर्न, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बहादुराबाद वालों को इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की पेशकश। खालिद मकबूल से मिलकर नई राबता कमेटी बनाने का भी मशवरा। फारूक साहब अगर आए तो हमारे दो दरवाजे खुले हैं। पीपुल्स पार्टी वैसे भी एक समंदर है, नदियां नाले इस तरह की नहरें आ सकती हैं। पीपल्स पार्टी खुला समंदर, नदियां आकर मिल जाएं। फारूक सत्तार आए खुशामदीद कहेंगे, नासिर शाह ने तंज के तीर चला दिए। मेमोगेट स्कैंडल, सेक्रेटरी खारजा और दाखला की आज सुप्रीम कोर्ट में तलबी। अदालत का केस में पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार। एक आइन बनाती है, क्यों कुछ लोग उस पर अमल करें और कुछ उस पर अमल ना करें। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, ये सब कुछ सोचते हुए जो जैसा कि हमारा माजी गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% नजरियाती हूँ। जरदारी के खिलाफ मेमोगेट का साथ देना गलत था, नवाज शरीफ का एतराफ। मियां साहब ने बताया था किसी के कहने पर पीपी हुकूमत के खिलाफ अदालत गए। खुर्शीद शाह का इंकशाफ। मियां साहब ने पहली मरतबा मीडिया में आके इस बात का एतराफ किया है। वो मेरे सामने भी किया था कि वो मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, वो मुझसे करवाई गई थी कुछ लोगों से। निहाल हाशमी की गैर मशरूत तहरीरी माफी, बार के नुमाइंदों की सिफारिश पर जान बख्शी। तोहीन अदालत पर जारी शो कॉज नोटिस वापस, माफी दीगर के लिए लाइसेंस नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क। किसी की किसी को उंगली रेस करने से पहले अपने अंदर चेंज लाएं। अभी भी उनको सबक सीखना चाहिए और अपने लोगों को इज्जत दें। पर शुरू है, इस दफ़ा सबसे ज़्यादा पैसे नून वालों ने वहाँ पे चलाने की कोशिश किया और चलाया। वजीर आजम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले सबक सीखें। सबूत है, नून लीग ने सेनेट इलेक्शन में पैसा चलाया। वजीर आला बलोचिस्तान का इल्जाम, अब्दुल कुद्दूस बजंजो और अराकीन बलोचिस्तान काफ लीग ने पार्टी छोड़ दी। पूरा बलोचिस्तान के अंदर हमने लोगों को पीने के पानी पर हम कर दिया, लेकिन उन्होंने पैसों से भर के यहाँ लाया और हमने लोगों के लिए पानी से टिकिया बना रहे थे, उनको पीने के पानी दिला रहे थे। पांच
پانی کی ٹینکی سے پیسہ نکلنے کے ذکر پر بلوچستان اسمبلی میں ہنگامہ، مولانا واسع کے اظہار خیال پر خالد لانگو غصے میں لال پیلے، جے یو آئی پر الزامات کی بھرمار۔ احتساب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت کام ہو رہا ہے، کسی ذاتی یا سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے، چیئرمین نیب نے واضح کر دیا۔ 55 شکایات کی جانچ پڑتال، 33 کیسز کی تحقیقات کی منظوری۔ کراچی میں کئی وارداتوں میں ملوث متحدہ کے ٹارگٹ کلر رئیس ماما کا 20 روزہ جسمانی ریمانڈ، سندھ پولیس حکام کا تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ، وزارت داخلہ کو خط۔ لاہور میں 3 بچوں کا قتل، شفاف ماں نے جرم کا اعتراف کر لیا، نشے کی عادی خاتون نے دوست کے ساتھ شادی کے لیے انتہائی قدم اٹھایا، ملزمہ انیکا کا ویڈیو بیان دنیا نیوز پر۔ ساری عوام پریشان ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں سارا دن، اب 2-3 گھنٹے سب کے ضائع ہونے ہیں، شام کو بھی صبح آتے ہوئے بھی 2 گھنٹے لگ جانے ہیں، شام کو جاتے ہوئے بھی 2-3 گھنٹے میں سارا ٹریفک میں خوار ہو کے پھر گھر پہنچیں گے۔ بہت عوام ذلیل ہے، اس میں بہت پریشان ہے عوام، جو مریض پریشان ہیں، ایمبولنس گزر رہی ہیں ان کو رستہ نہیں مل رہا، وہ مریض بیچارے تڑپ رہے ہیں، پتہ نہیں کس حالت میں ہیں، کچھ لوگوں کے مسائل ہیں، باقی عوام ساری جو ہے نا اس وجہ ان کی وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے۔ لاہور کا مال روڈ بن گیا احتجاج روڈ، دفعہ 144 کی دھجیاں اڑنے لگیں صبح شام، مظاہرین سے عام لوگوں کی لڑائی جھگڑے بن گئے وبال جان، ٹریفک جام سے شہری پریشان، تاجر خوار۔ ہمارا کاروبار برباد ہو گیا، لوگ تو دکانیں یہاں بیچ کے اور ریٹ کم ہو گئے ہیں، بیچ کے بھاگ رہے ہیں۔ آئے دن جس کو چھوٹی سی بھی کوئی پریشانی آتی ہے وہ آ کے مال روڈ بند کر دیتے ہیں۔ ہائی کورٹ سے ہم نے اسٹے لیا ہوا مال روڈ کے تاجروں نے، تو کیوں نہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کراتے، اگر وہ نہیں کرا سکتے تو نوکریاں چھوڑ دیں۔ اسماعیل خان میں رنگا رنگ میلہ، گھوڑوں کا رقص، نیزہ بازی سمیت روایتی کھیلوں کے دلچسپ مقابلے، ٹریکٹر کے ساتھ بازوؤں کی طاقت کا بھی مظاہرہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی، چیف جسٹس نے یقین دلایا کہ عدلیہ آئینی ذمہ داری، غیر جانبدار، شفافیت اور بلا خوف و خطر انجام دے گی۔ دو بڑوں کی طویل بیٹھک، اس بیٹھک کا ایجنڈا کیا تھا، کس کی خواہش پر یہ بیٹھک ہوئی، ایجنڈا سامنے آ گیا ہے، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق شاہد خاقان کی عدالتی نظام کی مضبوطی کے لیے تعاون کی یقین دہانی سامنے آئی ہے، جبکہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ عدلیہ غیر جانبداری سے فرائض سر انجام دے گی۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے یقین دلایا ہے کہ عدلیہ اپنی آئینی ذمہ داری، غیر جانبدار، شفافیت اور بلا خوف و خطر انجام دے گی۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی عدالتی نظام کی مضبوطی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ آج اہم ملاقات ہوئی، وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے درمیان پہلی بار یہ 1-on-1 ملاقات ہوئی جو تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ شروع میں یہ واضح نہیں ہوا کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، کس کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی، اور اب باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق چیف جسٹس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ عدلیہ آئینی ذمہ داری، غیر جانبداری سے انجام دے گی۔ ریاست کے 2 بڑے ستونوں میں اہم رابطہ، وزیراعظم اور چیف جسٹس پاکستان میں 2 گھنٹے تک 1-on-1 ملاقات،
शाहिद खाकान अब्बासी किसी प्रोटोकॉल के बगैर मंगल की शाम 7 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जारी ऐलानिया के मुताबिक मुलाकात का इंतजाम वजीर आजम की दरखास्त पर किया गया। अटॉर्नी जनरल के जरिए दरखास्त मौसूल हुई। शाहिद खाकान अब्बासी की चीफ जस्टिस साकिब निसार से बातचीत में गवर्नर्स और इंतजामिया के उमूर जेरे बहस आए। मुलाकात में वजीर आजम ने अदालती निजाम की मजबूती के हवाले से हर किस्म का तआवुन फराहम करने की दिलचस्पी का इजहार किया। वजीर आजम ने यकीन दिलाया की फौरी इंसाफ के लिए अदलिया को तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम ने FBR को टैक्स वसूली में जेरे इल्तवा मुकदमात के बायस दरपेश मुश्किलात से भी आगाह किया। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया कि अदलिया आईनी जिम्मेदारी गैर जानिबदार शफाफियत और बिला खौफ खतर अंजाम देगी। उनका ये भी कहना था कि टैक्स से मुतालिक उमूर को फास्ट ट्रैक पर देखा जाएगा। मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस वजीर आजम को गाड़ी तक अलविदा कहने आए। उन्होंने वजीर आजम का हाथ पकड़कर तस्वीर भी बनाई। और अब जिक्र वजीर दाखिला अहसन इकबाल का, जिनका कहना है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने और CPAC के खिलाफ बैन अल-अक़वामी साजिशें उरूज पर हैं, जिन्हें नाकाम बनाना सियासतदानों अदलिया समेत तमाम इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उनका ये भी कहना था कि एक जमात या क़यादत टारगेट नहीं होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं बैन अल-अक़वामी सतह पर, उनकी कोई नज़ीर नहीं है। इन तमाम साजिशों का मकसद है कि हमें अंदरूनी तौर पर सियासी इंतशार में मुब्तला करके हमारी इक्तसादी बहाली के अमल को मुतासर किया जाए और CPAC के मंसूबे को नाकाम किया जाए। जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का फ़र्ज़ है कि हम जिम्मेदारी के साथ इन साजिशों को नाकाम बनाएं। हमें ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि जो तसलसल के साथ किसी एक जमात को या एक क़यादत को टारगेट करें ताकि कल को प्री पोल रिगिंग का मुकदमा न बन सके। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने माजी की गलती का एतराफ कर लिया। कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेमोगेट स्कैंडल में नहीं पड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसी सिग्नल का इंतजार है ना ही वो सिग्नल लेने वाले शख्स हैं। उनका कहना था कि इदारों के साथ बैठने की बात जमहूरियत और कानून के लिए की थी। ख्वाहिश है कि निगरान वज़ीर आज़म का फैसला सियासतदान मिलकर करें। इस्लामाबाद से देखिए यासिर मलिक की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की गैर रस्मी गुफ्तगु, परवेज मुशर्रफ के बनाए गए कवानीन मिलिया मेट करने का मशवरा, आइंदा इलेक्शन में नैब का अपने खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा, मेमो गेट का हिस्सा बनने की गलती का एतराफ। नवाज शरीफ ने कहा कि आज वजीर आजम के नामजद करदा सफीर का नाम ECL में डालने की बातें हो रही हैं। नैब का इदारा परवेज मुशर्रफ ने मखसूस नतायज हासिल करने के लिए बनाया था, जिसे 2002 के इंतखाबात से कबल बुरी तरह इस्तेमाल भी किया गया। खदशा है अब फिर नैब को नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। आज तजर्बात से गुजरने के बाद एहसास हो रहा है कि मार्शल लॉ अदवार के कवानीन एक ही बार खत्म कर देने चाहिए। एक सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि अपनी आइडियोलॉजी और सोच की कीमत अदा कर रहे हैं। अंपायर की उंगली नहीं अवाम के अंगूठे की ताकत पर यकीन रखते हैं। 70 साल से खेल खेला जा रहा है मगर अब लोगों का खौफ और डर उतर गया है। माजी में जो होता रहा अब किसी सूरत नहीं होने देंगे। आईन और कानून के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नवाज शरीफ ने एतराफ किया कि उनका साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमोगेट का साथ देना गलत था। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबी अमल में एक दिन की भी ताखीर नहीं चाहते। तवक्को करनी चाहिए कि कोई भी इंतखाबी अमल में रखना न डाले। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से बात हुई है। ख्वाहिश है कि सियासतदान मिल बैठकर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करें। साथी